अच्छा प्रहलाद जी को कौन कौन जानता है? प्रहलाद जी की कथा किस किसने सुनी? अच्छा ध्रुव जी की कथा किस किसने सुनी? राम भगवान की कथा किस किसने सुनी? चलो राम तो भगवान है, प्रहलाद जी की कथा सुनी सबने। अच्छा बताओ तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारी कोई कथा बांचेगा है कोई? अच्छा तुम मर जाओ फिर कहें राम दी जी बहुत अच्छी हती राम दई, मर गई कितनी दुकानी देती पड़ोसन का, यही एक आध दो दिन चार दिन छह दिन आठ दिन दस दिन, हम कह रहे एक महीना दो साल, क्या आपकी 5000 साल तक कोई व्याख्या करेगा? अच्छा मर गए पूरी जिंदगी जिंदगी कमाते 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 बच्चों को रखते 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 पढ़ जाएं लिख जाएं पल पुष जाएं अच्छे बन जाएं योग्य बन जाएं सुयोग्य बन जाएं, अच्छा इसी में जिंदगी जाती है कि नहीं जाती? सुबह से उठो बच्चों को जल्दी नहला धुला करके बड़ा करो, उन्हें कपड़े पहनाओ, स्कूल का बैग टांगो, उनके लिए लंच बॉक्स बनाओ, लंच बॉक्स बना करके उनको पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाने के लिए फिर उनके लिए कमा कमा करके रखो, यहां वहां से बेईमानी का धन भी लाओ बच्चों के लिए कमा करके रखो, अच्छा फायदा क्या है? अच्छा फायदा है क्या मरने के बाद? कोई फायदा है? कोई आपका नाम लेता है? अच्छा आप अपने दादा ससुर को जानती हो क्या? जानती कोई अपने दादा ससुर को? ससुर के भी ससुर, ससुर के पिताजी तुम्हारे ससुर के ससुर हो गए, जानती है कोई? अच्छा चर्चा करती हो रोज बैठ के? क्यों? अच्छा जिनके ससुर गुजर जाते क्या उनकी चर्चा करती कभी कभार? दिवाली दशहरा कभी कभार। अच्छा तुम्हें भी मन ना आएंगे, तुम्हारी भी कोई चर्चा करने वाला नहीं, पूरी जिंदगी हमने कमा करके एकत्रित किया, एकत्रित करके धन रखा, बेईमानी से कमा करके धन रखा, और हो सकता है आजकल 2020 में कोरोना आया था, तुम्हारे मरने से पहले कोरोना आ गया तो तुम्हारे बच्चों को तो तुम्हारी 13वीं भी नहीं करना, सबरे फायदा है घट्टे हैं, और कोई फायदा नहीं मिला। और इसमें कहा गया है साहब हमने दुनिया में मन को लगाया वो तो ठीक है, लेकिन ध्रुव जी ने प्रहलाद जी ने भगवान के अनेक भक्तों ने भगवान के प्रति प्रेम स्नेह रखा, तो जब जब भागवत की कथा होती है जब जब भगवान की कथा की गाथा सुनाई जाती है तब तब ध्रुव और प्रहलाद की भी कथा को कहा जाता है। सीधी सीधी बात इतनी है, मैं पूरा सारांश आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि रुपया मत कमाओ, जीवनी जीने के लिए हमें पैसा की जरूरत है, लेकिन पैसा कमाओ ईमानदारी से कमाओ, पैसा रखो ईमानदारी का रखो, वातावरण रखो ईमानदारी के रखो, और दोनों धर्म अपने साथ कमाते जाओ, एक कर्म करते जाओ, वो तुम गृहस्थ जीवन में बच्चे हैं उनको तुम पालोगे कोई दूसरा नहीं पालेगा, लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म का भी ध्यान रखते जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक दिन में जिंदगी बदल गई, एक दिन में गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी ने उनकी एक मिनट में जिंदगी को बदल करके खड़ा कर दिया, जिन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया, मानस को संपूर्ण मानस को लिख दिया, वो गोस्वामी तुलसीदास जी जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, और अपनी पत्नी से प्रेम करने के कारण एक बारिश में भीगते हुए सर्प को पकड़ करके घर पर पहुंच गए, और पत्नी ने देखा अभी तो हमारे पीछे से पति देव आ गए, पूछा क्यों कैसे आए? गोस्वामी जी ने कहा मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। पत्नी ने कहा स्वामी मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, निश्चितता में आपको बताना चाहती हूं। बोले क्या? बोले मैं कहना चाहती हूं जितना प्रेम आप मुझसे कर रहे हो कहीं उतना प्रेम अगर आपने भगवान से किया होता तो भगवान का नाम लेने से आप हजारों करोड़ों वर्ष तक अमर हो जाते। वही पत्नी का एक मिनट का शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी की बात में लग गई, एक मिनट में घर का त्याग कर दिया, त्याग करके तुरंत वन में पहुंच गए, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर ली, भगवान के आने का मन में निश्चय कर लिया, अब तो भगवान को पाना किसी भी रूप से पाना, भगवान कैसे भी मिले कोनो स्थिति में मिले मिल जाए। अब तुम लोगों का तो ये हाल है, पहले सोचो कि भगवान को पाना है, घंटाक में विचार बदल जाएगा, भगवान बाद में मिल जाएंगे यार, आज उठ लो कल मना लेंगे, परसों नहीं बैठोगी नरसों नहीं बैठोगी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने विचार कर दिया और कहा गया है रामचरितमानस में अम्मोह भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता।